Now see, 73 ग्राम ऑफ HCl dissolve in 1 लीटर water, what will be the molality? Molality क्या होगी? Molality के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं small m. अपने पास दो फॉर्मूले हैं, तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो अपने लिए सुटेबल हो. यहाँ 1 लीटर वाला भी है, अगर लीटर में लेते हैं हम तो क्या रहेगा, नीचे वैल्यू क्या है, क्या में आता है, ऊपर इंटू 1000 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है. तो अगर हम लेते हैं HCl, तो अपना फॉर्मूला क्या है, W2 अपॉन M2 इनटू वेट इन ग्राम, वेट इन किलोग्राम, अगर 1000 ने लिया तो, समझा आपको. तो W2 कितना है, 73 ग्राम, ओके, अपॉन M2 मतलब मोलार मास कितना है, 36.5, और ये कितना है, यस, कौन, 1 इंटू 1. अगर इसको ग्राम में लेते हैं हम 1000, तो ऊपर भी इंटू 1000 लेना पड़ेगा, समझा आपको. तो अभी तो सिंपल सॉल्व हो जा रहा है, तो क्यों लेते हैं हम, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको. इसका आंसर कितना आएगा, सिंपल सी बात है ना, 36 का डबल है ना ये, तो ये 1 जा, ये 2 जा, आंसर क्या आएगा, 2. हाँ कौन है, अरे उधर नहीं जाने का, नहीं उधर नहीं जाने का, अपने को डायरेक्ट करने का. अगर आप इधर 1000 लेंगे तो ऊपर इंटू 1000 करना पड़ेगा, उतना ही आ जाएगा ना आंसर, 1000 चला जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट लेने का इसको. तो ये मोलैलिटी, ओके ओके, यस. इधर देखो सेम, अब यहां पर क्या में दिया है, ml में, तो दोनों चीजें कर सकते हैं, डायरेक्ट 0.5 लेकर सॉल्व करो, या 500 रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 1000. तो अभी यहां पर अपना फॉर्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2. W2 कितना दिया, 73, M2 कितना है, 36.5. अगर यहां पर हम वेट लेते हैं क्या में, किलोग्राम में, अगर यहां किलोग्राम में लेते हैं तो ऊपर 1000 नहीं लेना है, तो किलोग्राम में 500 का, 500 ग्राम में ना, सॉरी ये हमने इसको लीटर में डाला, मोलैलिटी निकाल रहे ना, हाँ करेक्ट करो, किलोग्राम. यहां पर भी क्या रहेगा, ये ग्राम, क्योंकि ये वेट होता है ना, ओके. और ये भी कौन है, यहां पर कहां गया, ग्राम्स, हाँ क्या निकाल रहे हैं हम, मोलैलिटी, ठीक है. अब यहां पर मोलैलिटी निकाल रहे हैं हम इसका, तो यहां पर 500 ग्राम है, 500 ग्राम बोले तो कितना, 500 ग्राम 0.5, आंसर कितना आएगा, यस. सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करते तो अपने को आंसर कितना मिलता है, 2, और 0.5 से उसको आपने डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा, 4.